लॉकडाउन की अवधि लगातार जो है सिंगरौली जिले में चल रही है, और इस लॉकडाउन की अवधि में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। तो वहीं हमारे साथ साकार फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर जमुना जी उपस्थित है, उनसे हम जानते हैं और सीधा उनसे सवाल करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है उसके बारे में अब सीधा हम जमुना जी से बात करते हैं। हाँ जमुना जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, अभी फिलहाल आपने यहाँ पर कई लोगों को लंच पैकेट बांटा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? लॉकडाउन से लगने से एक दिन बाद साकार फाउंडेशन द्वारा लगातार भोजन दिया रहा है। पहले 5 पैकेट दिया रहा था, अब इसमें 10 पैकेट दिया जा रहा है, और रात में बांटने की जिम्मेदारी हमको दी गई है, जो हम पूरी जिम्मेदारी से पूरा लगातार बांटते हैं। तो आप किन किन लोगों को ये जो लंच पैकेट है बांटते हैं? जो विक्षिप्त टाइप, मानसिक विक्षिप्त टाइप जो है उसको बांटते हैं, जो ज़रूरतमंद फंसे हुए रहते हैं, कहीं बाहर से हैं, जो इंतजार करते हैं बसों का, गाड़ियों का, जो कचरा उचरा बीनते हैं, उनका कचरा नहीं बिक पाता है, कचरा बीन के रखे हैं कई दिनों से, उनका बिक नहीं पा रहा, भोजन के लाले पड़े हुए हैं, उनके लिए मतलब ऐसे लोगों के लिए भोजन में वितरण कर रहा हूं। बेसिकली हम कह सकते हैं ऐसे निरी लोग जिनको आवश्यकता है मदद की, आप ऐसे लोगों को मदद करते हैं? जी जी जी। तो यहीं साथ में हमारे हम बात करेंगे, पार्षद जी भी हैं, और पार्षद जी हमेशा यहाँ पर गरीबों के लिए अच्छे काम करते रहे हैं, और ये पार्षद जो है किसी पार्टी से नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना किसी पार्टी से चुने हुए पार्षद भी हमारे साथ में हैं। तो हम सीधा जुड़ते हैं पार्षद जी से और बात करते हैं। पार्षद जी आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका पूरा? हीरालाल सोनी, पार्षद वार्ड क्रमांक 41 गनियारी। क्या कुछ कहेंगे अभी फिलहाल में जो स्थितियाँ चल रही हैं और यहाँ पर खाना बांटा जा रहा है? वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है ये, और निश्चित रूप से जो फाउंडेशन का काम जो हाथ में लेके जो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और ऐसे समय में अगर जो वास्तव में गरीब, जो आज होटलों न खुलने के कारण गरीब बेचारे नाश्ता तक के लिए परेशान हैं, कम से कम उनको आप लोग रोटी दे दे रहे हैं, इतना काफ़ी है, इतना करने वाला कोई नहीं। मैं उस फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। और ये आने वाले दिनों में आप लोगों का जो भी फाउंडेशन का कार्य है, मैं तो चाहूँगा निरंतर आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पार्षद जी, एक बात जो हमेशा से निकल कर सामने आती रही कि आप हमेशा से गरीब लोगों के साथ में जुड़े रहे हैं, पार्षद से पूर्व भी, और एवं लगातार समाज सेवा में बने रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों की प्रेरणा, या फिर हम यूँ कहें कि ये पार्षद तक का जो सफ़र रहा वो कैसे आसान हो पाया? देखिए, मैं जब 95-96 में डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, आई इलेक्टेड प्रेसिडेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ बैठन, छात्र संघ का अध्यक्ष बना, हमने उन गरीब लोगों को देखा। मेरे पास खुद पैसा नहीं रहता था फीस जमा करने के लिए, उस समय मैंने लोगों से चंदा करके गरीब लोगों को फीस जमा कराता था, अपना खुद फीस जमा करता था, अपना मलाई खुद भी बेचता था, चाय बेचा, चना बेचा, और लोगों का काम किया, क्योंकि मैं कोई गरीबी खुद देखा हूँ। एक गरीब आदमी का दुख दर्द को जानता है और किस तरीके से रहना है उस चीज़ को समझता है, इसलिए मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के साथ रहता हूँ, करना तो पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल कर सामने आई है, चूँकि बीजेपी का गढ़ कहा जाने वाला सिंगरौली या फिर हम रीवा संभाग ही कह सकते हैं, ऐसे में बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों या सांसद हों, आप उनको कहाँ पर देखते हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से जनप्रतिनिधि का कार्य होना चाहिए, हम जनता के नौकर और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने का मतलब है कि पैसा कमाना नहीं, जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन लोग सोच गलती है, पैसा कमाने की नीयत से जो लोग राजनीति करते कितना दिन करेंगे, आज नहीं तो कल, बढ़िया तो जनता होशियार है, ठीक है, जितने पीटना चाहिए हो, जब वक्त आएगा ना तो ठप्पा भी उल्टा भी लगेगा इस बार। तो लगातार जिस तरीके से चुनावों में सरकारें दावा करती हैं या फिर जनप्रतिनिधि दावा करते हैं अपने दावों को लेकर, उनके दावों की हकीकत कहीं ना कहीं पार्षद जी की ये बातें हैं, उनके दावों की पोल खोलने वाली बात है। और साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी जागना चाहिए कि सड़क पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मदद की एकदम नितांत आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जनप्रतिनिधि जो है लगातार नदारद हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शशिकांत।